फ्रेंड्स, एक लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आया हूँ। बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स मार्केट से जुड़े हुए हैं, कि अभी लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि ई कॉमर्स में नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट की डिलीवरी अभी नहीं हो पाएगी। राइट, गवर्नमेंट ने 16 अप्रैल को ये गाइडलाइन निकाली थी कि जिसमें ई कॉमर्स जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट सेल कर सकती हैं, नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट भी ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन अभी आज लेटेस्ट अपडेट जो है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स ने इसको क्रिटिसाइज किया था कि नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट नहीं सेल करने चाहिए अभी। जैसे कि आपको पता ही है, डे बाय डे केसेस भी बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा रिस्की भी हो जाएगा इसके लिए। तो अभी जो इनकी सर्विसेज एसेंशियल प्रोडक्ट के लिए चल रही थी 20th से, केवल वही चलेगी। मतलब अभी जो चल रही है वही चलती रहेगी, लेकिन नॉन एसेंशियल की अभी कोई भी डिलीवरी नहीं होगी। तो अभी ये लेटेस्ट अपडेट है कि कोई भी प्रोडक्ट के बारे में अभी इन्होंने यही बोला है, कोई भी नॉन एसेंशियल के बारे में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी डिलीवरी नहीं होगी। नॉन एसेंशियल को उन्होंने अभी पूरी तरीके से बैन कर दिया है, लेटेस्ट अपडेट यही है। तो लेटेस्ट अपडेट को देखते हुए मैं आपको ये जो भी अपडेट्स आएंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा। अभी न्यूज यही सुनने को मिल रही है कि नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाएंगे, तो अपडेट तो यही आ रही है। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल, जिससे कि आपको जो भी मैं आपको वो अपडेट्स देता रहूंगा। क्योंकि तीन दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि एसेंशियल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसे कि आज अपडेट आया है तो मुझे बहुत जल्दी ही आना पड़ा ये वीडियो लेकर, जिसमें कि आपको बताना पड़ रहा है कि ये आप नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट अपने सेल नहीं कर पाएंगे। तो अभी इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा अपडेट रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। मैं आपको जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो देता रहूंगा। थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।